शिविर में डिक्लेरेशन हुआ था, उसे छत्तीसगढ़ में कैसे लागू किया जाए, इस संबंध में नवसंकल्प शिविर कार्यशाला का आयोजन किया गया। बता दें कि हिंदुस्तान के सभी राज्यों में 1 और 2 जून को नवसंकल्प शिविर आयोजित किया गया, तो वहीं इस शिविर में अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को, हमारे कांग्रेस परिवार को उदयपुर में अपने विचारों को जिस प्रकार से साझा किया गया, ग्रुप बनाए गए थे, कई ग्रुप बनाए गए थे, उसमें अपना एक्सपीरियंस साझा कर रहे हैं और हम बता रहे हैं कि उदयपुर में क्या निर्णय लिया गया था और किन किन प्रश्नों को तय किया गया था। पहले सत्र में कुछ पूरा हुआ है और दूसरे सत्र में बहस होगी, चर्चा होगी और डिस्कशन होगा। विचारधारा संगठन के कार्यक्रम तमाम मुद्दे पर छत्तीसगढ़ में चर्चा करेंगे। रिक्त पदों को भी भरे जाने के ऊपर चर्चा की जा रही है। उदयपुर में घोषणा में क्या क्या चीज़ें तय की गई, वहाँ पे CWC कार्य समिति जो हमारा हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होता है, उन्होंने किन किन प्रस्तावों को तय किया है जिसको आगे ले जाना है, तो उसी कड़ी में उदयपुर में यह भी था कि हम इन तमाम चीज़ों को अपने जिले प्रदेश स्तर से जिले स्तर तक ले जाएँ। उसी कड़ी में आज हम लोग यहाँ पर उसका शिविर में आए हुए सभी लोग इस पर हम लोग विचार भी कर रहे हैं, अपने वक्तव्य भी दे रहे हैं। हर एक वक्ता अपने अपने जिस ग्रुप में है उसका एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, बता भी रहे हैं। पहला सत्र में कुछ पूरा हुआ है, अभी दूसरा सत्र में मुझे लगता है कि आगे आने वाले जो और भी प्रस्ताव हैं जिन पे बहस होगी, चर्चा की जाएगी, और इस पे राजनीति में 360 डिग्री जो चीज़ें हैं कि एक होता है विचारधारा, एक होता है संगठन, एक होता है संगठन के कार्यक्रम, एक होता है आपस में जो हम लोगों का संगठन में जो पदे रिक्त हैं या संगठन का जो पूर्णता है कि किस तरह से समाज के सभी वर्गों को लेकर के, चाहे ग्रामीण या शहर या सरगुजा बस्तर, तमाम जो एक राज्य का जो पहलू है जिससे हम आप कह लीजिए कि हर एक लोगों को लगे कि संगठन में हमारी पहचान है, संगठन में हमारा प्रतिनिधित्व है, इन तमाम मुद्दों पर लगातार हम इस पे छत्तीसगढ़ पे भी चर्चाएं इसमें करेंगे कि किस तरह से संगठन का कोई भी रिक्त पद ना रहे, किस तरह से भरा जाना चाहिए। प्रस्ताव भी आ रहा है और उस पे लोग फिर सजेशन दे रहे हैं। बहुत तरह के कार्यक्रम AICC ने प्रस्तावित किए हैं जो स्टेट को करना है, उस पर छोटे छोटे ग्रुप बना करके फिर वो अपनी बात रखें।